तो मैंने आपको चार पांच क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर फोर जो है इट वाज डिफरेंट फ्रॉम द अदर क्वेश्चंस। बाकी क्वेश्चंस के मुकाबले क्वेश्चन नंबर फोर की अप्रोच थोड़ी सी अलग होगी, जहां पे लोगों के गलती होने के चांसेस ज्यादा है। बाकी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सिमिलर क्वेश्चंस है, आपको चारों इनइक्वालिटी पे सॉल्व करना था। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन में द क्वेश्चन वॉज एक्स प्लस वन, देन एक्स माइनस टू का स्क्वायर, एक्स माइनस टू का स्क्वायर, फिर एक्स प्लस थ्री का क्यूब एंड एक्स माइनस फोर का पावर फोर। एक्स प्लस थ्री का क्यूब एंड एक्स माइनस फोर का पावर फोर, ठीक है। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक दो चीजें बताई थी, याद कीजिएगा। मैंने बोला था कि यहाँ पे जो इवन पावर होता है ना, कोई भी इवन पावर का आप एक ही तरीके से डील करोगे। बिकॉज इवन पावर की खासियत क्या होती है कि नेगेटिव का पावर इवन लगाओगे तो वो भी पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। तो इफ यू रिमेम्बर, ये वाली हमारी लास्ट क्लास की फाइल है, तो यहाँ पे जो चीज लिखी हुई थी, ये देखो येलो कलर से लिखा हुआ है, ऑल इवन पावर्स विल बिहेव इन द सेम वे। मतलब चाहे वो पावर टू लगा हो, फोर लगा हो, सिक्स लगा हो, एट लगा हो, सारे के सारे अगर इवन पावर्स होंगे तो कोई भी इवन नंबर को आप से एक ही तरीके से ट्रीट करोगे और इनइक्वालिटी में, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि रियलिटी में जैसे टू का पावर टू फोर होता है, टू का पावर सिक्स 64 हो जाता है। तो जैसे जैसे हम पावर बढ़ाते जाते हैं हमारी वैल्यू बढ़ते जाएगी, लेकिन वो होता है कहाँ पे, वो होता है जब आप वैल्यू डाल रहे हो। और हमें तो बस इनइक्वालिटी में कहीं ना कहीं ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो वाली चीज को सॉल्व करनी होती है ना, हमें एक इंटरवल फाइंड आउट करना होता है। तो इसीलिए हम इवन पावर्स को एक तरीके से डील करेंगे, ऑड पावर्स को एक तरीके से डील करेंगे, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे ये जो थ्री दिख रहा है, ये थ्री के जगह पे अगर वन भी होता तो भी हमारा आंसर सेम होता, ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पे जो फोर दिख रहा है, इस फोर के जगह पे अगर टू होता तो भी मेरा आंसर सेम होता, या कोई भी दूसरा इवन नंबर भी होता तो मेरा आंसर सेम होता। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? गिव मी अ कंफर्मेशन, यस सर। ठीक है। सो उसके बाद हम अगली चीज क्या करते हैं। रॉबिन्स पहली क्लास है क्या? यस सर। तो रॉबिन्स, अगर ये आपकी पहली क्लास है तो आपको समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। आप बेगूसराय से आए हो, जी सर। आपको रिकॉर्डिंग देख कर आनी चाहिए थी। रिकॉर्डिंग के बारे में आपको बताया जरूर गया होगा। बताया गया था। तो रॉबिन, एक्चुअली ये हमारी सेकेंड वीक के एंड की क्लास है एक तरीके से, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि अगर ये सेकेंड वीक के एंड की क्लास है तो तकरीबन 5-6 क्लासेस हो चुके हैं। आई थिंक 5 क्लासेस हो चुके हैं, छठा क्लास है, ठीक है। तो आप या तो अभी जाकर रिकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से टॉपिक आज कहीं ना कहीं खत्म होने वाला होगा, या तो आज ही खत्म हो जाएगा, थोड़ा मोड़ा बचेगा। तो इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू, एंड रिकॉर्डिंग इसीलिए आपको देखने के लिए बोला गया था। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम नंबर लाइन पे क्या करेंगे, विल प्लॉट द क्रिटिकल पॉइंट्स, राइट, और द रूट्स ऑफ द इंडिविजुअल फैक्टर्स। तो क्या क्या रूट्स आएंगे अमृता, क्या क्या रूट्स आए हैं? अमृता, यहाँ पे रूट्स सॉल्व हुआ है कि नहीं, कितने लोगों ने सॉल्व किया एक बार जस्ट रेज योर हैंड, आई वांट टू नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सॉल्व द क्वेश्चंस, रेज योर हैंड। अभी तक सिर्फ सनी और हर्ष ने हैंड रेस किया है। स्टूडेंट्स, क्या मेरी आवाज आप लोगों को ठीक से आ रही है? यस सर। अमृता, आवाज तो जा रही है सबको, चैट में बहुत लोग यस लिख रहे हैं। अच्छा, बाकी लोगों ने क्वेश्चंस क्यों नहीं ट्राई किए हैं?
Aditya Hazelwood, you need try your questions. Aditya, मैं पूछ रहा हूँ आपसे से आदित्य क्वेश्चन ट्राई किए हो? हेलो, हाँ आवाज आ रही है आदित्य, आपने क्वेश्चन ट्राई किया है? हेलो आदित्य, आवाज आ रही है आपको? सर वाइब्रेट हो क्या आवाज? हेलो, आपकी आवाज मुझे आ रही है। हेलो ओके, जस्ट गिव मी कंफर्मेशन, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सॉल्व द क्वेश्चन? मृगंक, हर्ष, हर्ष ने तो हैंडरेस किया, गुलशन, अर्णव, अमृत, विवेक, अमृता, मृगंक डिवाइड वाले में बताऊंगा, वो एकदम अलग नहीं होता है, इट्स एग्जैक्टली ऑन द सेम लेवल, इट्स एग्जैक्टली ऑन द सेम लेवल। आदित्य आपका वॉइस, आपके इंटरनेट का इशू है। चलिए तो आई विल डिस्कस द सॉल्यूशन। देखो गाइस, ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं जेईई मेंस में आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस, ठीक है? गुलशन कह रहा है कि आई हैव डन एनसीईआरटी क्वेश्चन सर। गुलशन, आई थिंक लास्ट क्लास, दो क्लासेस से बोल रहा हूँ आपको, या आप क्लास पे ध्यान नहीं देते हो, हम जो अभी क्वेश्चन कर रहे हैं ये एनसीईआरटी से बहुत ऊपर जा चुका है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको पहले करने चाहिए थे, आपको होमवर्क दिया था ये पांच क्वेश्चन, अगर इन पांच क्वेश्चन का आप एफर्ट नहीं दे पाए तो दिस शोज हाउ मच केयरफुल यू आर। एनसीईआरटी में एक्चुअली लीनियर इनइक्वालिटी रहती है, इस तरीके की इनइक्वालिटी नहीं रहती है, तो थोड़ा सा अगर हार्डवर्क करना था तो इस होमवर्क के लिए करते। देखो तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल पुट द फैक्टर्स, तो पहला फैक्टर यहां से माइनस वन आएगा, यहां से टू आएगा, अगले वाले से माइनस थ्री आएगा, राइट, एंड लास्ट वाले से फोर आएगा। तो हम यहाँ पे फोर को पुट करेंगे, यहाँ पे टू को पुट करेंगे, यहां माइनस वन पुट होगा और यहां पे माइनस थ्री पुट होगा। याद करना, मैंने आप लोगों को एक और चीज बताई थी, लेट मी गो टू द स्लाइड। ये क्रॉस मैंने कहां पे लगाया था, याद है क्या किसी को? ये क्रॉस yes, हाँ, किस चीज में लगाया था बताओ? सर इवन वाले पे, इवन वाले पे, राइट। तो जहां जहां पे इवन फैक्टर्स में से, हाँ रॉबिन आप जा सकते हो, जाकर रिकॉर्डिंग देखो तब आपके लिए बेटर होगा। इनफैक्ट केमिस्ट्री की क्लास में भी यही होने वाला है, केमिस्ट्री की क्लास भी आज छठी क्लास चलने वाली है, तो आपके लिए मुश्किल होगा समझना। रिकॉर्डिंग आपको इसीलिए देखने के लिए बोला गया है ताकि आपको फिर चीजें अच्छे से समझ में आए, ओके? हाँ, तो जैसे कि अभी हर्ष ने बताया कि वो जहां जहां से इवन पावर्स है ना, इवन पावर्स जिन जिन फैक्टर के ऊपर है, वहां से जो रूट निकल कर आए उसके नीचे हम क्रॉस लगाते हैं। तो एक्स माइनस टू के ऊपर जो पावर टू लगा हुआ है, एक क्रॉस आपका यहां लगेगा, और x माइनस फोर के ऊपर पावर इवन है तो एक क्रॉस आपका यहां लगेगा, ठीक है? मृगंक, कैन यू टेल मी कि ये क्रॉस से फिर होता क्या था? क्रॉस एक्चुअली में हम क्यों रखते थे, क्या पता करने के लिए रखते थे? हर्ष को छोड़ के और कोई बताएगा? एनीवन? मानस, एग्जैक्टली, इट इज बेसिकली द सेम साइड ऑन बोथ साइड, यस मृगम। तो कहने के लिए हम राइट मोस्ट इंटरवल से क्या आता है, हमें पॉजिटिव वैल्यू आता है ना, राइट मोस्ट इंटरवल से हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आता है। अब जब यहां से फोर के राइट से फोर के लेफ्ट की तरफ जाओगे तो क्योंकि यहां पे क्रॉस का साइन है तो ये भी पॉजिटिव होगा। अब यहां जब टू के राइट से टू के लेफ्ट में जाओगे, टू में क्रॉस रखे हुए हैं तो यहां पर भी कोई साइन चेंज नहीं होगा, है ना? यहां पे भी कोई साइन चेंज नहीं होगा। दिस इज व्हाट आई एक्सप्लेन टू यू। कोई डाउट है किसी को? एनीवन इज, याद करो, अगर कोई डाउट हो रहा है तो आप इस इंटरवल में से कोई वैल्यू उठाकर पुट करके देख सकते हो, कोई वैल्यू उठाकर पुट करके देख सकते हो।
कोई दिक्कत? एनीवन? अर्णव, अमृत, एनी प्रॉब्लम्स? सो अब हम जब माइनस वन के राइट से जब माइनस वन के लेफ्ट पे जा रहे होंगे, अब वहां पे कोई क्रॉस नहीं है, तो अब साइन चेंज होगा, है ना? तो अब यहाँ पे नेगेटिव हो गया। एंड लास्टली माइनस थ्री के राइट से माइनस थ्री के लेफ्ट में अगेन कोई क्रॉस नहीं है, तो फिर से साइन चेंज होगा, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। तो अब हमको जो आंसर करना है ना अपने इनइक्वालिटीज का, वो इसके बेसिस पे करना है। तो जैसे मैंने आपको इनइक्वालिटीज क्या क्या दिए थे, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन जीरो एंड लेस देन इक्वल टू जीरो, है ना? अब देखो इनके आंसर्स कैसे करते हैं हम लोग। मानस एक बार अनम्यूट करना। मानस आई थिंक आज संडे है तो लोग पढ़ना वढ़ना नहीं चाहते हैं क्या, दो तीन स्टूडेंट्स को छोड़ के? मानस व्हाट हैपेंड? ये देखो स्क्रीन के सामने ही नहीं है, अनम्यूट अनम्यूट भी नहीं कर रहा है। गुलशन चलो आप अनम्यूट करके बताओ कि खाली इस नंबर लाइन को देखकर हम आंसर कैसे लिखते हैं। इसमें ग्रेटर देन जीरो में होगा सर 4 कोमा इनफिनिटी और उसके बाद 2 कोमा इनफिनिटी 2 कोमा 4। अच्छा फिर और जैसे माइनस इनफिनिटी कोमा माइनस 3 माइनस इनफिनिटी और वो माइनस 1 से 2 वाला पार्ट भूल गए हो क्या? हाँ एक पर माइनस 1 कोमा 2। ठीक है तो ग्रेट यार ये सही है। अब मृगंक कह रहा है कि यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आएगा, उसने वैल्यू पुट करके देखा हुआ है, तो चलो मृगंक एक बार चेक कर लेते हैं। लेट्स से आप यहाँ पे माइनस 2 यहाँ से कोई एक वैल्यू उठाते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ से ना एक वैल्यू उठाओ और एक बार पुट करके देखो, माइनस 2 पुट करके देखो, तो सब कोई माइनस 2 पुट कर अगर देखे हम लोग मृगंक, तो ये देखो क्या होगा, माइनस 2 प्लस 1 ये हो जाएगा माइनस 1। यहाँ पे माइनस टू हो गया आपका माइनस 4, उसका स्क्वायर करोगे तो हो गया 16। फिर माइनस 2 प्लस 3 ये हो गया आपका प्लस 1, प्लस 1 का क्यूब करोगे तो हो गया 1। एंड लास्टली माइनस 2 माइनस 4 हो गया आपका माइनस 6, माइनस 6 का पावर 4 करोगे तो 6 का पावर 4 36 का स्क्वायर 1296 होता है। इंपॉर्टेंट थिंग क्या दिख रहा है मेरे गंग, क्या ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? अब बताइए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? क्लियरली नेगेटिव है ना, बिकॉज हम चार नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, उसमें एक नेगेटिव है बाकी सारे पॉजिटिव है, राइट? तो देख सकते हो ना मस्त तरीके से काम करता है, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर हमने वेबिकर मेथड के स्टेप्स को फॉलो किए हैं ना हम लोग, तो ये हमेशा ट्रू होता है। हमने स्टार्टिंग के क्लास में वैल्यूज पुट कर करके देखा था, उसके बाद मैंने आपको तरीका जो बताया था वो क्या था, वो बस कि आप इसको प्रोसेस को अगर फॉलो करोगे ना, तो ये जो इंटरवल में जो पॉजिटिव नेगेटिव का अल्टरनेट चलता है ये हमेशा ट्रू होता है, और जहां पे हमारा इवन पावर्स के कारण रूट आता है वहां पे क्रॉस लगा दो। इज दिस क्लियर? है ना स्टूडेंट्स, इसका फायदा समझ रहे हो ना आप लोग? इतने सारे इंटरवल्स में ब्रेक हुआ, हमको उसमें से रैंडम कोई वैल्यू उठा के चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। सो अभी जैसे कि गुलशन ने इसका आंसर बताया कि ग्रेटर देन जीरो में हमको पॉजिटिव वैल्यूज उठाना है, तो कहने के लिए पॉजिटिव वैल्यू एक इधर है और एक इधर है। तो मैं इसको अगर लिखना चाहता हूं शॉर्ट में, दो तरीके हैं लिखने के। पहला तरीका क्या होता, माइनस इंफिनिटी से माइनस 3 यूनियन माइनस 1 से 2 यूनियन 2 से 4 यूनियन 4 से इंफिनिटी। ठीक है, तो अब आप लोगों को एक चीज फील हुई होगी कि यहां जो हम लिख रहे हैं, हमने ये सारे ये देखो, पहला माइनस इंफिनिटी से माइनस 3 ये वाला था, उसके बाद माइनस 1 से 2 ये वाला था, फिर 2 से 4 ये वाला था एंड 4 से इंफिनिटी ये वाला था। ठीक है, तो ये सारे हमने केसेस को देखा हुआ है,
ये सारे केसेस यहाँ पे हमारे हमने लिखे इंटरवल्स को, ठीक है। अब कुछ कुछ बुक्स में क्या होता है, इसको और सिंप्लीफाइड तरीके से लिखा हुआ रहता है। जैसे अगर आप इधर ऑब्जर्व करोगे, जैसे अगर आप इधर ऑब्जर्व करोगे तो कहने के लिए माइनस वन से इंफिनिटी तक सारा पॉइंट आया, माइनस वन से इंफिनिटी तक सारा पॉइंट आया है, सिर्फ हमको उधर उधर हटाना है जहां पे जीरो होगा। तो जीरो कहां कहां पे होगा, ये एक टू पे जीरो होगा और एक फोर पे जीरो होगा। आ रही है ना बात समझ में, क्योंकि इस पूरे इंटरवल में, ये माइनस वन से इंफिनिटी तक का पूरा इंटरवल में पॉजिटिव वैल्यू है, सिर्फ दो पे और चार पे वो जीरो हो जाता है, दो पे और चार पे जीरो हो जाता है। तो हमको क्या करना चाहिए, एक दूसरा तरीका क्या हो सकता था लिखने का, पहले तो आप वो लिखो माइनस इंफिनिटी से माइनस तीन, क्योंकि वो एकदम साइड में है। और आगे वाले पार्ट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, आगे वाले के लिए हम लिखेंगे यूनियन माइनस वन से इंफिनिटी। तो जब हम माइनस वन से इंफिनिटी लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो उसके अंदर के सारे पॉइंट आ गए, है ना, उसके अंदर के सारे पॉइंट आ गए, जिसमें टू भी आ गया फोर भी आ गया। लेकिन टू और फोर एक्चुअली में हमारे रूट्स है, तो टू और फोर रूट्स होने की खासियत ये हो जाती है कि अगर हम एक्स के जगह पे टू पुट करते हैं क्वेश्चन में, तो मेरा एक्सप्रेशन जो है वो जीरो हो जाएगा। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं, हम ग्रेटर देन जीरो देख रहे हैं, हमको इक्वल टू जीरो नहीं चाहिए। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे माइनस करेंगे और हम उन दो पॉइंट्स को हटा देंगे जिनके कारण हमें जीरो मिल रहा था। तो दो पॉइंट्स कौन से, टू और फोर। तो इसीलिए आप कह सकते हो कि 2, 4, और यहां पे लगाएंगे हम कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि अब ये डिस्क्रीट सेट का कॉन्सेप्ट यूज होगा। डिस्क्रीट सेट होते हैं जहां पे हम खाली वो वाले वैल्यूज को रिमूव करना चाहते हैं। डिस्क्रीट सेट वो वाला केस होता है जहां हम सिर्फ और सिर्फ वो वाले वैल्यूज को रिमूव करना चाहते हैं। सो ये इसी क्वेश्चन का आंसर लिखने का एक और तरीका है। कोई दिक्कत, अगर किसी को भी दिक्कत है तो प्लीज इंस्टेंटली अनम्यूट करके पूछिए। Any problem, anyone? Is this clear? Mrigank, Ujwal, Harsh, answer check ho gaya? Yes. Ye kyunki ab J type ke questions hai yaar. Theek hai, ye properly J type ke questions hai. And you have to be very, very careful. Jaise, ab dekho, ab hum iska answer likhenge greater than equal to zero ke liye. तो मैंने आप लोगों को एक सिंपल सी चीज बताई हुई है कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो को सॉल्व करने के लिए आपको पहले क्या करना चाहिए, आपको पहले ग्रेटर देन जीरो का सॉल्यूशन लिख लो। तो देखो जस्ट ऊपर जो हमने लिखा हुआ है, ये वाला जो लिखा है ना, ये ग्रेटर देन जीरो का ही सॉल्यूशन है। इसी को मैं नीचे उतारूंगा अभी, इसी को मैं अभी नीचे उतारूंगा। ब्रैकेट्स अभी नहीं लगा रहा आपको पता है, क्योंकि हम मैं इक्वल टू जीरो वाला केसेस भी देखना चाहता हूं। ओके, अब आप बताओ कि ये तो मैंने उसके सारे लिख दिए ना इंटरवल एक तरीके से, अब वो जीरो कहां कहां पे होगा, विवेक पूछा सर कर्ली ब्रैकेट के पहले क्यों लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट के आगे माइनस क्यों लगेंगे। विवेक को इसलिए ना, हम ये दिखाना चाहते हैं कि माइनस वन से इंफिनिटी तक के जो जितने पॉइंट्स हैं, माइनस वन से इंफिनिटी में क्या हो रहा है विवेक, की टू भी आ जाता है और फोर भी आ जा रहा है ना उसके अंदर। लेकिन टू और फोर क्या है, आप अगर पुट करोगे, देखो अगर आप यहाँ पे टू पुट करोगे तो टू माइनस टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो गया उसके कारण। अगर आप फोर पुट करते हो तो ये तो नॉन जीरो होगा, ये नॉन जीरो होगा, ये नॉन जीरो होगा, लेकिन ये 4 माइनस 4 जीरो हो जाएगा। सो समझ रहे हो ना, ये नॉन जीरो होगा, ये नॉन जीरो होगा, ये नॉन जीरो होगा, ये जीरो हो जाएगा। तो जिसके कारण पूरा एक्सप्रेशन जीरो के बराबर हो जाएगा। और हम कौन सी इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं, हम ग्रेटर देन जीरो सॉल्व कर रहे हैं। तो जब हमने ये माइनस वन से इंफिनिटी वाला इंटरवल लिखा, तो इसके अंदर दो रूट आ रहे थे, एक्चुअली में दो रूट आ रहे थे। तो इसीलिए हमने रूट को हटाने के लिए, या रूट हमारा सॉल्यूशन सेट के अंदर तो नहीं आएगा, तो इसीलिए हमने वहां से माइनस टू कॉमा फोर रिमूव किया। कर्ली ब्रैकेट इसीलिए लगाते हैं क्योंकि कर्ली ब्रैकेट से हम लोग बताते कि खाली ये एलिमेंट हटेगा या ये एलिमेंट हमारा है, इसके अलावा हम किसी को नहीं देख रहे हैं। माइनस वन से इंफिनिटी के आगे जब हम ये सिंपल ब्रैकेट लगाते हैं, इसका मतलब क्या होता है,
इसका मतलब होता है कि माइनस वन से इंफिनिटी के बीच के सारे रियल नंबर काउंट किया जा रहा है ना, तो दिस इज द रीजन। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि हमारे सारे फैक्टर्स जो है, सारे के सारे फैक्टर्स न्यूमरेटर में, कोई डिनोमिनेटर में नहीं है, तो ये सारे जो रूट्स अभी दिख रहे हैं, सारे रूट्स पे कहीं ना कहीं हमारा एक्सप्रेशन इक्वल टू जीरो होगा। तो हम हर एक जगह पे क्या करेंगे, क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। तो यहाँ क्लोज ब्रैकेट लगेगा, यहाँ क्लोज ब्रैकेट, यहाँ क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, हर जगह क्लोज ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट पे हमारा एक्सप्रेशन जीरो के बराबर हो रहा है। ये हो गया एक तरीका लिखने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, माइनस इंफिनिटी से तीन, माइनस इंफिनिटी से तीन, सॉरी माइनस तीन, यहां पे क्लोज ब्रैकेट यूनियन माइनस वन से इंफिनिटी। अब हमको यहाँ पे दो और चार को माइनस करने की जरूरत नहीं है, जो हमने पिछले वाले में दो और चार को माइनस किया था, अब हमको दो और चार को माइनस करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे कहीं ना कहीं जीरो को कंसिडर करेंगे और हमें जीरो भी चाहिए, है ना। तो देख सकते हो दोनों में कितना सिमिलैरिटी और कहां पे डिफरेंस हो रहा है, इस चीज को प्लीज समझिए अच्छे से। एक हम सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस करते जा रहे हैं, मैं हर चीज को पहले जैसे ही रिलेट कर रहा हूं कि ग्रेटर देन जीरो और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। नोटिस कीजिएगा, ये हमने यहां पे राइट साइड में, यहां पे अभी, यहां पे ये लिखा हुआ है या ये लिखा हुआ है मैटर ही नहीं करता, हमने एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग इसको देखा है। और अब जब नंबर लाइन पे जब हमने इंटरवल्स बना लिए, अब उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि हमारा एक्सप्रेशन पॉजिटिव कहां पे होगा तो नेगेटिव कहां पे होगा एंड सो ऑन। ठीक है, सो अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव, वो एक ही इंटरवल दिख रहा है माइनस तीन से वन वाला, वो एक ही इंटरवल दिख रहा है माइनस तीन से वन वाला। तो माइनस थ्री से माइनस वन, दोनों पे ओपन ब्रैकेट लगेगा। चौथा लेस देन इक्वल टू जीरो, तो पहले तो आप लेस देन जीरो वाला इंटरवल लिख लोगे, और अब यहां पे कौन अनम्यूट करके आंसर बताना चाहेगा, कौन अनम्यूट करके आंसर बताना चाहेगा? सर बोलो सर, दोनों पे क्लोज ब्रैकेट होगा, दोनों पे क्लोज ब्रैकेट होगा। इसके अलावा और कोई आंसर होगा क्या अमरेन? चलो मैंने दोनों पे क्लोज ब्रैकेट लगा दिया, कोई और पॉइंट मिस कर रहे हो क्या? विवेक ने हैंड रेस किया है, बोलो विवेक। सर ये क्लोज ब्रैकेट तो होगा ही, और इसमें माइनस इंफिनिटी से माइनस थ्री, तो माइनस इंफिनिटी की तरफ ओपन ब्रैकेट और माइनस थ्री की तरफ क्लोज ब्रैकेट, ये भी लेकिन माइनस इंफिनिटी से माइनस थ्री तो आपका एक्सप्रेशन पॉजिटिव है ना? यस सर, बट उसमें आप उस टाइम माइनस टू पुट करके किए हैं ना, तो माइनस आया था माइनस इंफिनिटी। तो देखो स्टूडेंट्स, देखो जैसे विवेक, मैंने आपको लेस देन इक्वल टू जीरो को सॉल्व करने का तरीका क्या बताया हुआ है? क्या मैंने ये बोला हुआ है कि लेस देन इक्वल टू जीरो वाले में आप पहले लेस देन जीरो का सॉल्यूशन लिखिएगा और फिर देखिएगा आपका एक्सप्रेशन कहां कहां पे जीरो के बराबर होता है, उस पॉइंट को इंक्लूड कीजिएगा, ये बताया मैंने? ठीक है, तो आपने सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, हमको देखना चाहिए मेरा एक्सप्रेशन लेस देन जीरो कहां पे होगा, लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव कहां पे होगा। तो एक ही है, दैट इज माइनस थ्री से माइनस वन, माइनस थ्री से माइनस वन पे हमारा एक्सप्रेशन नेगेटिव हो रहा है, तो वहां पे हमने लगाया मान लीजिए ओपन ब्रैकेट, क्योंकि हम अभी लेस देन जीरो का सॉल्यूशन लिख रहे हैं। लेकिन अब आपको क्या देखना है, अब आपको देखना है कि मेरा एक्सप्रेशन जीरो के बराबर कहां कहां पे हो रहा है। तो आप बताओ आपका एक्सप्रेशन जीरो कहां कहां पे हो रहा है? माइनस टू पुट कर रहे हैं माइनस थ्री की जगह पे, वहां पे नहीं होगा जीरो, ये माइनस थ्री और ये माइनस वन के, नहीं माइनस थ्री से और इधर ग्रेटर देन जीरो के तरफ से होगा सर, इसके इंक्लूड गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। सनी हैंड रेज किए, बताओ। और इसमें
इसके बाद यूनियन टू और फोर होगा. वेरी गुड गाइज, कर्ली ब्रैकेट के अंदर. वेरी गुड गाइज. मैंने आप लोगों को जो तरीका बताया है उस तरीके को फॉलो करो ना, यू विल नेवर गेट एनी रॉन्ग आंसर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल लेस देन इक्वल टू जीरो में पहले हमने लेस देन जीरो का सॉल्यूशन निकाला. लेस देन जीरो का सॉल्यूशन होगा यहाँ पे माइनस थ्री से माइनस वन ओपन ब्रैकेट. ये मैंने लेस देन जीरो का सॉल्यूशन लिखा है. अब आपको देखना है कि आपका वैल्यू, आपका एक्सप्रेशन जीरो कहाँ कहाँ पे होगा. तो यार सबसे पहले तो हमारे न्यूमरेटर में सारे फंक्शन से जो भी हमारे कह सकते हो जो भी एक्सप्रेशन है जो भी फैक्टर्स है वो सबके सब न्यूमरेटर में. तो ये जो चार क्रिटिकल पॉइंट आया है, ये चार क्रिटिकल पॉइंट आप कैसे निकालते हो? आप ऐसे ही करते हो ना कि पहले इस वाले को इक्वल टू जीरो करते हो तो माइनस वन आता है, इस वाले को इक्वल टू जीरो करते हो तो टू आता है, इसको इक्वल टू जीरो करते हो तो माइनस तीन आता है, इसको इक्वल टू जीरो करते हो तो चार आता है. तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये चार पॉइंट्स आए जो है. ये पॉइंट्स की खासियत ये है कि ये पॉइंट अगर हम पुट करेंगे तो वो फैक्टर जीरो हो जाएगा और वो फैक्टर बाकियों के साथ मल्टीप्लाइड है तो उसके कारण हमारा पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा. तो अल्टीमेटली स्टूडेंट्स हमारे एक्सप्रेशन जीरो कहाँ पे होंगे, तो एग्जैक्टली रूट्स पे होते हैं. हमारे एक्सप्रेशन जीरो कहाँ पे होंगे तो एग्जैक्टली रूट पे हमारे एक्सप्रेशन जीरो होने वाले हैं. तो आप ये कह सकते हो कि हमारे चार रूट्स थे माइनस माइनस वन माइनस थ्री टू और फोर. तो सबसे पहले यहां पे लगेंगे, ये लगेगा क्लोज ब्रैकेट क्योंकि इन दोनों पॉइंट को इंक्लूड करना है. फिर आएगा यूनियन, फिर आएगा कर्ली ब्रैकेट टू कॉमा फोर. 2.4 इसीलिए क्योंकि 2 पे भी हमारा एक्सप्रेशन 0 के बराबर है, 4 पे भी हमारा एक्सप्रेशन 0 के बराबर है. कर्ली ब्रैकेट इसीलिए क्योंकि हम खाली 2 और 4 को इंक्लूड करना चाहते हैं, इसके बीच का किसी से या इसके अलावा और किसी से हमको कोई लेना देना नहीं है. तो चेक आउट द सॉल्यूशन. टेल मी, अगर कहीं पे किसी को दिक्कत है तो प्लीज अनम्यूट करें. वी आर डूइंग प्रॉपर आईटी क्वेश्चन राइट नाउ. You have to be careful exactly what the question is asking and trust me, अभी तक हम एक ही process को follow कर रहे हैं and we are just doing different types of questions to understand the process in a much better way. Is it okay? Yes, sir. Let's move on to the next question then. ठीक है? अब देखो ये क्वेश्चन में हमने ज्यादा टाइम लग गया हमारा, बट अब अगला क्वेश्चन में हमें बहुत हेल्प मिलने वाला है बिकॉज अगला क्वेश्चन का एक्सप्रेशन और इस क्वेश्चन के एक्सप्रेशन में कुछ खास अंतर नहीं है. तो x प्लस वन, x माइनस टू का पावर टू, x प्लस थ्री का पावर थ्री एंड x माइनस फोर का पावर फोर. Again the logic will remain the same students. Mrigang, यहीं पे आपको दिक्कत हो रही थी, देखिएगा logic will remain the same. आपको roots निकालने हैं, ठीक है? Roots निकालोगे तो यहां पे भी वही logic के साथ चलेगा. पहले आप roots निकाल लीजिएगा same जैसे पिछले question में चार roots आए थे, इसके भी चार roots आएंगे. तो यहां four, यहां two, यहां माइनस वन, यहां माइनस थ्री. और हमारे पास इवन कहां कहां पे आया है, तो टू ये वाला इवन है, एक ये वाला इवन है, तो कहां कहां पे क्रॉस लगाना होगा उसके कारण. तो एक यहां पे क्रॉस लगेगा, एक यहां पे क्रॉस लगेगा. तो एग्जैक्टली एज ऑफ द लास्ट क्वेश्चन. एंड फिर वही सब पॉजिटिव नेगेटिव वैसे ही चलेगा. तो राइट मोस्ट इंटरवल पॉजिटिव. अब फोर के राइट से जब फोर के लेफ्ट में जाएंगे तो क्रॉस दिख रहा है तो साइन चेंज नहीं होगा. अब टू के राइट से टू के लेफ्ट में जाएंगे तो क्रॉस दिख रहा है तो साइन चेंज नहीं होगा. अब माइनस वन के राइट से माइनस वन के लेफ्ट में जाओगे तो साइन चेंज होगा क्योंकि कोई क्रॉस नहीं है. एंड लास्टली माइनस थ्री के राइट से जब माइनस थ्री के लेफ्ट में जाएंगे तो साइन चेंज होगा. तो अभी तक कुछ चेंज हुआ क्या? बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, लेकिन एक्सप्रेशन तो डिवीजन में आया है तो कुछ चीज हमको ध्यान में रखना पड़ेगा. कोई बता सकता है कौन सी चीज हमको ध्यान में रखनी होगी हमारे आंसर में, क्या नहीं होना चाहिए कभी भी, बताओ एनीवन. हमारा आंसर में क्या चीज नहीं होना चाहिए? थ्री एंड
माइनस थ्री एंड माइनस फोर, क्योंकि अगर वो पुट करेंगे तो आंसर नॉट फाइन आएगा. वेरी गुड. एग्जैक्टली जो टारगेट होता है स्टूडेंट्स वो ये होता है कि हमारा डिनोमिनेटर, हमारा आंसर में वो इंटरवल ना आए, या हमारे आंसर में बेसिकली वो पॉइंट ना आए जिसके कारण हमारा डिनोमिनेटर जीरो हो जाए. बिकॉज अगर हमारा डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो हमारा एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो जाएगा. राइट. तो छोटी सी चीज जो आप कह सकते हो, एनी ऑफ माई आंसर, ठीक है, कोई भी, चाहे लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, आपको चाहे क्वेश्चन ने इसमें से कोई भी चीज सॉल्व करने दिया होगा, एनी ऑफ द आंसर्स, any of the answers should not contain, should not contain minus 3 and 4. क्योंकि students minus 3 आपका वो denominator का एक का root है x plus 3 का, और अगला है x minus 4, उसका root है 4, ठीक है. तो minus 3 या 4 आपके answer में कहीं भी नहीं होना चाहिए, because then the denominator will become zero. क्योंकि फिर हमारा denominator क्या हो जाएगा, denominator हो जाएगा zero. So I hope this is clear to everyone. Please keep this thing in mind. Okay, next. अब आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर. तो गाइस सॉल्यूशन एग्जैक्टली लास्ट वाला जो मैंने लिखा है ना, जो मैंने अभी लास्ट वाला लिखा है, ये ही सब सेम लिखेगा. बस किसी भी आंसर में मेरा तीन पे, माइनस तीन पे और चार पे हमारा हमेशा ओपन ब्रैकेट रहेगा एक तरीके से कह सकते हो, या फिर हमारा कभी भी किसी आंसर में माइनस तीन और चार इंक्लूड नहीं होगा. बाकी आप देखना, अभी मैं सेम आंसर लिखने वाला हूँ, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है. So let's say I start with greater than zero and then greater than equal to zero. So greater than zero वाले में क्या होगा कि positive वाले देख रहे हो तो minus infinity से minus तीन open bracket union, minus one से two वहां भी positive है union, two से four वहां भी positive है यूनियन, फोर से इंफिनिटी वहां भी पॉजिटिव है, ठीक है. ये मेरा फाइनल आंसर होगा. आप चेक कर लेना कि क्या मेरा माइनस तीन और चार पे ओपन ब्रैकेट है. तो आप देख सकते हो यहाँ पे माइनस तीन है, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, ठीक है, और यहाँ पे और यहाँ पे चार है मेरा, और दोनों जगह पे ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है. तो चार और माइनस तीन हमारे आंसर में कहीं भी नहीं आ रहा है. राइट. सिमिलरली अगर हम बात करें लेस देन इक्वल टू जीरो वाले में, तो लेस देन सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाले में, तो अगेन पहले तो हम ग्रेटर देन जीरो का आंसर लिखो, पहले तो सेम ग्रेटर देन जीरो का आंसर लिखो. तो ऊपर वाले को हम कॉपी कर लेते हैं. तो अगर आप नोटिस करोगे स्टूडेंट्स लास्ट वाले से, तो लास्ट वाले में भी देख सकते हो हमने डिट्टो कॉपी किया था. इसको देखो एग्जैक्टली सेम था सब कुछ, है ना, एग्जैक्टली सेम था. अंतर कहाँ पे आया, ब्रैकेट्स में अंतर आया, क्योंकि उस टाइम पे हमारे सारे एक्सप्रेशंस न्यूमरेटर में थे, तो हमारा हर एक एक्सप्रेशन का रूट एक्सप्रेशन को जीरो बनाता, तो इसलिए हर जगह पे क्लोज ब्रैकेट लग गया. इस बार क्या होगा, इस बार क्या होगा, इस बार माइनस तीन और चार पे क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा, बाकी दोनों पे आएगा. चार रूट से चार में से दो पे ओपन ब्रैकेट रहेगा, दो पे क्लोज ब्रैकेट आएगा. वो दो कौन से है, जो मेरे न्यूमरेटर वाले होंगे. न्यूमरेटर में है x प्लस वन, तो उसका रूट है माइनस वन, और दूसरा है न्यूमरेटर में x माइनस टू, उसका रूट है टू. तो माइनस वन और टू पे हमारा क्लोज ब्रैकेट रहने वाला है. तो मैं क्या करूंगा, माइनस टू और वन कह सकते हो कि मैं एक तरीके से इसको ढूंढ लिया मैंने, और इस पे मैं क्लोज ब्रैकेट लगा दूंगा, ठीक है. ये मेरा चेंज हो गया आंसर में. बोलो समझ में आ रहा है आपको ये चीज, अब इज द आंसर क्लियर. ठीक है. सिमिलरली आई बिलीव आप लेस देन जीरो वाला कर सकते हो खुद से, तो मैं भी इसको स्किप करता हूं फिर. ओके
मूव ऑन करते हैं अगले अगले वाले पे। नेक्स्ट 13, 13 में और क्वेश्चन नंबर 2 में अंतर क्या है? तो कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, ऑब्वियसली एक्सप्रेशन हल्के फुल्के चेंज हुए हैं, लेकिन द ओनली मेन डिफरेंस इज वो देखो 5 माइनस एक्स है, डिनोमिनेटर में मुझे 5 माइनस एक्स दिख रहा है, एंड दैट 5 माइनस एक्स विल एक्चुअली बी एक्स का कोफिशियंट वहां पे नेगेटिव हो रहा है। और आपका वेवी का मेथड का सबसे पहला स्टेप क्या बोला जाता है? तो सबसे पहला स्टेप बोला जाता है कि एक्स के कोफिशियंट को पॉजिटिव कीजिए, है ना? तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे आपको मैंने चार केसेस दिए ना, ग्रेटर ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो। तो होता क्या है ऐसे क्वेश्चंस में, मान लो मैं उसमें से कोई एक इंटरवल को अभी पिक कर रहा हूँ, लेट्स से आई एम पिकिंग ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब वेवी कर्व मेथड का सबसे पहला स्टेप कहता है कि द कोफिशियंट ऑफ एक्स शुड बी पॉजिटिव, तो मुझे एक ही जगह पे x के आगे माइनस का साइन दिख रहा है, वो डिनोमिनेटर में। तो मैंने उसके लिए आप लोगों को क्या बताया है, मल्टीप्लाई, एक ही जगह पे साइन चेंज करना है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय माइनस वन। तो हम दोनों साइड्स को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका x माइनस वन का स्क्वायर रहेगा, ये आपका x माइनस टू, ये आपका 5 माइनस एक्स बन जाएगा, अब आपका x माइनस 5, क्योंकि कहने के लिए जो माइनस 1 है वो सिर्फ इसी से मल्टीप्लाई हुआ, हमने माइनस 1 को सिर्फ इसी से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे आपका ऐसे रहेगा x माइनस 3 टू द पावर 5। अब आपका राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में 0 के साथ माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहने वाला है, लेकिन बिकॉज हमने पूरी इनइक्वालिटी को एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है, तो उसके कारण साइन पलट जाएगा, तो अगर ग्रेटर देन जीरो था वो बन जाएगा लेस देन जीरो। तो अब आपको जो सॉल्व करना है स्टूडेंट्स वो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना होगा, है ना? आप अभी उस क्वेश्चन को भूल जाओगे और ये आपका एक तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा, एंड देन द रिमेनिंग प्रोसेस विल रिमेन द सेम, बाकी सारे प्रोसेस यहाँ पे सेम रहने वाले हैं। यहाँ पे हमने नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, आप नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद इसके रूट्स देखोगे तो यहां से 1, यहां से 2, यहां से 3, 5, है ना, ये चार रूट्स आए हैं, 1, 2, 3, 5। कोई इवन पावर है यहाँ पे? एक जगह पे इवन पावर है, कहाँ पे? माइनस वन वाले पे, तो यहाँ पे क्रॉस लगेगा, बाकी कहीं पे भी क्रॉस नहीं लगने वाला। नेक्स्ट हमको क्या देखना होता है, अब साइन, तो राइट मोस्ट इंटरवल से पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, फिर यहाँ पे क्रॉस नहीं है तो 5 के राइट से 5 के लेफ्ट में गए तो साइन चेंज होगा, यहाँ पे फिर साइन चेंज हुआ, यहाँ पे फिर साइन चेंज हुआ, लेकिन जब आप माइनस वन के राइट से माइनस वन के लेफ्ट में जाओगे तो ये साइन चेंज नहीं होगा, दिस विल रिमेन पॉजिटिव। कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी? एनी प्रॉब्लम? यस विवेक बताओ। सर यहाँ पे 2 है तो 2 इवन है, यहाँ पे भी क्रॉस होगा ना? अब विवेक क्लास क्लास किए हो आप? यस सर। तो हम क्रॉस किसके बेसिस पे लगाते हैं? सर जो इवन होता है उस पे। आप फैक्टर को इवन कह रहे हो या पावर को इवन सोच रहे हो? आई थिंक यहाँ पे वो प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब बात प्रॉब्लम की नहीं है विवेक, बात है कि
हम हमेशा पावर को देखते हैं, अंदर क्या उसे क्या लेना देना यार, आप खुद सोचो। ये x माइनस टू वाला जो है, x माइनस टू में अगर आप x का वैल्यू चार डालते हो तो चार माइनस दो पॉजिटिव है, और अगर x का वैल्यू आप माइनस चार डालते हो तो वो नेगेटिव हो जाएगा। माइनस चार माइनस दो माइनस छह हो गया, नेगेटिव हो गया। लेकिन x माइनस वन वाले में खासियत क्या है, स्क्वायर लगने के कारण, कि अंदर नेगेटिव बने या पॉजिटिव बने उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये जो हम क्रॉस लगाते हैं विवेक, वो सिर्फ और सिर्फ किसके बेसिस पे लगाते हैं, किस फैक्टर के ऊपर इवन पावर है, ठीक है। अगर आप हमारे पिछले क्वेश्चन को भी चेकआउट करोगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, तो यहां पे भी हमारा साइन चेंज, ये हमने स्टार्ट किया था x माइनस टू के ऊपर इवन पावर था, तो 2 के राइट में पॉजिटिव था, 2 के लेफ्ट में पॉजिटिव था, ये हमने वैल्यूज पुट कर करके देखे थे, ठीक है। यहां पे x माइनस वन के ऊपर पावर देखो इवन था, तो मैंने आपको सॉल्व कराने के टाइम पे 1 पे क्रॉस लगवाया था और बाकी पे क्रॉस नहीं लगवाया था, क्योंकि x प्लस टू के ऊपर पावर ऑड था और x माइनस थ्री के ऊपर भी पावर ऑड था। तो यहां से जो रूट निकलेगा वहां क्रॉस नहीं आएगा, यहां से जो रूट निकलेगा वहां क्रॉस नहीं आएगा, बस x माइनस वन वाला जो रूट था जो कि 1 उधर क्रॉस लगा था, ठीक है। उसके बाद आगे सर, यस निगम, सेम साइड होगा, सेम होगा, यहां पे माइनस होगा इधर, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हमको क्वेश्चन के हिसाब से अगर लेस देन जीरो सॉल्व करना था, क्वेश्चन के हिसाब से अगर हमको लेस देन जीरो का इंटरवल लिखना था, तो आप देखो लेस देन जीरो यहाँ पे किधर हो रहा है, तो हो रहा है वो माइनस इंफिनिटी से माइनस वन यूनियन माइनस इंफिनिटी से वन यूनियन वन से टू यूनियन थ्री से फाइव। ये एक तरीका था लिखने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, कोई चाहता तो ये एक बार में काउंट कर सकता है और बुक में आपको ऐसे ही दिया जाएगा। ये एक बार में कोई लिखना अगर चाहता है तो वो क्या लिखेगा, वो लिखेगा माइनस माइनस इंफिनिटी से टू यूनियन थ्री से फाइव। अब माइनस इंफिनिटी से टू वाले में क्या होता है स्टूडेंट, आपको ध्यान, जो मैंने बार बार बोला हुआ है कि ध्यान दीजिएगा, जब आप बड़ा इंटरवल लिख रहे हो तो रूट बीच बीच में आ जाता है। जैसे हम माइनस इंफिनिटी से टू लिख रहे हैं तो आप सबको दिख रहा है कि वन बीच में आ रहा है, वन बीच में आ रहा है, और वन से क्या होगा, हमारा एक्सप्रेशन जीरो के बराबर हो जाएगा। तो जीरो तो आपको चाहिए नहीं, आपको खाली लेस देन जीरो चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसमें से माइनस करेंगे वन वाला, हम यहां से माइनस करेंगे वन वाला। इज द लॉजिक क्लियर, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। दोनों सेम ही आंसर है, अब ध्यान से देखो, दोनों सेम ही आंसर है। अगर आप यहां ऑब्जर्व करोगे इसको और इसको देखोगे तो अंतर क्या है, खाली वन को छोड़कर माइनस इंफिनिटी से टू तक के सारे पॉइंट लिखे गए हैं, तो हमने डायरेक्टली माइनस इंफिनिटी से टू लिख दिया है और वन को हटा दिया, ठीक है, वन को हटा दिया। एनी इश्यूज, एनीवन? नो सर। ओके, मृगंक आ रहे समझ में इधर, डिवीजन वाले में डाउट क्लियर हो रहा है कि नहीं बताइए। तो यहां एक चीज आप ये कह सकते हो, क्वेश्चन में दिया था ग्रेटर देन जीरो, इसका आंसर लिखना, और इस एक्सप्रेशन का लेस देन जीरो का आंसर, दोनों सेम होने वाला है। बिकॉज हमने क्या किया, ये हमारा क्वेश्चन था, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव था तो हमने माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो एक्सप्रेशन में थोड़ा चेंज आया। तो अब आप उसको नहीं देखोगे, हाँ, अब जो लोग गलती ये कर जाते हैं कि वो ग्रेटर देन जीरो के हिसाब से सॉल्व करते हैं, लेकिन अब आपका एक्सप्रेशन किस में चेंज हो गया,
लेस देन जीरो में चेंज हो गया। तो आप इस एक्सप्रेशन का लेस देन जीरो का जो आंसर निकालोगे वो हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन का ग्रेटर देन जीरो का आंसर होने वाला है, ठीक है। और ऐसे भी आपको क्वेश्चन में सिर्फ एक ही इनइक्वालिटी देगी ना, ये तो हम लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए हर क्वेश्चन के चारों इनइक्वालिटी पे सॉल्व कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि अगर आपको क्वेश्चन वहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो देता तो आप क्या करते, माइनस वन से मल्टीप्लाई करते तो ये साइन पलट जाता लेस देन इक्वल टू जीरो पे, और हम फिर लेस देन इक्वल टू जीरो के हिसाब से सॉल्व करते, और फिर हम लेस देन इक्वल टू जीरो के हिसाब से सॉल्व करते, ठीक है। सैम थैंक यू, बट इतना लेट आए हो तो उसके बाद क्या फायदा होगा, 50 मिनट लेट ऑलमोस्ट। मृगंक आर यू देयर, इज इट ओके नाउ, कैन आई मूव फॉरवर्ड? बाकी लोग ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे, अच्छा 4 से पहले ना एक बार 5 पे आ जाते हैं, ठीक है, बिकॉज 4, या चलो कोई नहीं ऑर्डर में कर लेते हैं, 1/2x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/x-1। किसने किया है क्वेश्चन नंबर 4, एनीवन? यस सर। क्या अप्रोच है हर्ष? पहला स्टेप क्या था यहाँ पे सर? 1x-1 को मैंने एलएसजी साइड में लाया। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे, आप में से कुछ लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन शुड नॉट बी डन हियर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन should not be done here. यहां पर हम cross multiplication नहीं करेंगे because the sign of 2x-1 and x-1 are unknown. अब क्या होता है students, की हमको इसका sign नहीं पता, साइन नहीं पता होने के कारण आप नहीं बता सकते कि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या सिचुएशन होने वाला है। और एग्जांपल से समझते हैं इसको, मान लो यहाँ पे था 1/3 और यहाँ पे था 1/5, राइट। तो जब 1/3 और 1/5 रहता है, 1/3 का वैल्यू हमारा 1/5 से ज्यादा होता है, अगर आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो 5 > 3 होगा, जो कि बिल्कुल सही है, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन यहीं पे 1/3 आपका ग्रेटर देन माइनस, ग्रेटर देन 1/-5 भी होता है, ग्रेटर देन 1/-5 भी होता है, राइट। अब अगर आप यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ये -5 उधर चला जाएगा और 3 यहां चला जाएगा, क्या अभी भी आपका इनइक्वालिटी सेम रहेगा? नहीं रहेगा ना, पिछला वाला इनइक्वालिटी सही था, 5 3 से बड़ा होता है, लेकिन क्या ये इनइक्वालिटी ट्रू होगा? -5 > 3, क्या ये इनइक्वालिटी ट्रू होगा स्टूडेंट्स? नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। तो क्या सीखे हम इस सिंपल से एग्जांपल से, जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप इनइक्वालिटी में सिर्फ तब करते हो जब आपको उसका साइन पता हो। अगर वो पॉजिटिव है क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन में चेंज नहीं आएगा, अगर वो नेगेटिव है क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा। बस यही अंतर है। एक मिनट यार, ये चार्जर ठीक है। तो जो चीज मैं कह रहा था कि इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप सिर्फ और सिर्फ तब करोगे जब आपको साइन पता है, अभी यहां पे हमको साइन नहीं पता तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपको पता रहता कि पॉजिटिव है कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, अगर आपको पता है कि वो नेगेटिव होने वाला हमेशा तो भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका साइन बस पलट जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। तो फिर इस तरीके में क्या करोगे, तो जैसे हर्ष ने किया है, हम फिर इस क्वेश्चन में चीजों को इक्वेशन के एक साइड लेकर आएंगे। तो या तो आप 1/2x-1 को राइट साइड ले जाओ या फिर 1/x-1 को लेफ्ट साइड ले आओ,
क्योंकि ऐसे भी जब हम वेबी कर्व मेथड लगाते हैं तो वेबी कर्व मेथड का कंडीशन है कि एक साइड में इनइक्वालिटी के एक साइड में सिर्फ और सिर्फ जीरो रहना चाहिए। तो जीरो लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, मान लो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूं, तो 1/2x-1 और x-1 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आए हैं, x-1 को लेफ्ट हैंड साइड ले आए हैं, तो वहां पे क्या बचेगा, वहां पे आपका सिंपल जीरो बचेगा। तो चलो तो मैं 2 मिनट का टाइम देता हूं, एक बार इसको सॉल्व करो, आप इसको 2 मिनट का टाइम देता हूं, जल्दी सॉल्व करो सब कोई, तब से मैं कर रहा हूं, थोड़ा सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था तो गलत था, अब इस तरीके से करके देखो। आई जस्ट गिव यू 2 मिनट्स। आदित्य आप इसका आंसर बताओगे, सैम्स, प्रफुल, प्रदीप, उसके बाद हाँ, तो आप लोग इसका आंसर बताओगे क्या सॉल्व किए हो, नहीं बता पाओगे आप लोगों को मैं यहाँ से अभी रिमूव करूंगा, बिकॉज आई थिंक पिछले ऑलमोस्ट 1 घंटे में आप लोगों के एंड से एक रिस्पॉन्स तक नहीं आया। चलो प्रदीप तो पहले निकल गया, आदित्य आपको ठीक से समझ में नहीं आया वाला मैं बात बता रहा हूं क्या है। पहले तो ये था होमवर्क, ठीक है, पहले तो था ये होमवर्क। दूसरी चीज, स्टार्टिंग में भी मैंने आपसे पूछा कि आपने कितने क्वेश्चंस ट्राई किए, वो कोई रिस्पांस नहीं आया। प्रफुल सेम आपके केस में, नहीं बन रहा सर, नहीं बन रहा, क्यों नहीं बन रहा जानना चाहूंगा, क्यों नहीं बन रहा बताओ तो थोड़ा एक बार, प्रफुल आप अनम्यूट करना, अनम्यूट करो प्रफुल, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करने बोला हूं। हाँ
अब मुझे ये बताओ कि ये जो मैंने होमवर्क दिए थे कितने क्वेश्चन आपने ट्राई किए थे? पीछे वाला क्लास से प्रीवियस क्लास से नहीं किए। आप पिछली हमारी जस्ट पिछले क्लास में प्रेजेंट थे, जो हमारे बुधवार को क्लास हुई थी उसमें प्रेजेंट थे आप? हाँ अच्छा, तो आई थिंक यही यही सिचुएशन है। उसके बाद आपने रिकॉर्डिंग नहीं देखा? फिर रिकॉर्डिंग तो देखा होगा ना, आई मीन प्रफुल देखो यार, इस टाइम पे ये आप ही अपना लॉस कर रहे हो। क्या होगा मैं बता रहा हूँ, जेई को जेई एस्पायर कर रहे हो बट हार्डवर्क बिल्कुल नहीं हो रहा है। लिख के दे सकता हूँ क्या? आपने 8-10 घंटे मैथ्स पढ़े बुधवार से लेके अभी तक में? ऑलमोस्ट 4 दिन हो गए, सिर्फ 2 घंटा 2.5 घंटा पर डे करके भी आपने टाइम निकाला क्या? मुझे नहीं लगता निकाला, बिकॉज अगर किया होता तो आपको पता चलता कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। ठीक है आदित्य, सेम आपके लिए भी। ठीक है ये सब जो एक्सक्यूज है ना कि वेदर के कारण ये था वो था, आदित्य एक बात बताओ, मैं मान लेता हूँ वेदर के कारण इशू था, अभी भी शायद आपको इंटरनेट के कारण दिक्कत हो रही होगी, लेकिन आफ्टर द क्लास रिकॉर्डिंग था ना? रिकॉर्डिंग था कि नहीं? ये फाइल अपलोडेड थी, फाइल अपलोडेड थी, रिकॉर्डिंग अपलोडेड था, आराम से जाके गो थ्रू करते। मैंने आदित्य स्पेशली आपको बोला भी था क्योंकि आप ऑलमोस्ट स्टार्टिंग से जुड़े हो लेकिन हालत बहुत खराब है। मैंने आपको बोला था कि सारी रिकॉर्डिंग्स को गो थ्रू कीजिए, मेहनत कीजिए। आपके फादर ने आई थिंक राकेश सर या शिवम सर को बोला भी है जानने के लिए कि क्या मेहनत करे, तो आज मैं उनको बताऊंगा कि कुछ मेहनत नहीं करे, बस माहौल बना रहा होगा घर पे। एंड प्रफुल सेम आपके साथ भी वही सिचुएशन है यार, अगर आप बेसिक मतलब द रीजन इज एक टॉपिक आज खत्म होने वाला है एंड मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप अभी 10th वाले मोड पे हो। कितना घंटे पढ़ाई किए हो बताना प्रफुल, क्या आपने 8 घंटे निकाले हैं? नहीं बोल पाओगे, 8 घंटे नहीं निकाले आपने मैथ्स के लिए। आदित्य सेम आप बताओ कि क्या आपने 8 घंटे निकाले हैं? 5 तो हमारी रिकॉर्डिंग सी, 5 क्लास हो गए 1.5 घंटे के, 7.5 घंटे तो वही पे, अगर आप रिकॉर्डिंग भी देखते तो 7.5 घंटे लग जाने थे। So this actually shows your non-seriousness towards studies. And if you're non-serious na Praful and Aditya, to parents ko bata do, ye ekdam sharam karne wali baat nahi hai. Sam, same aapke liye bhi main yahi kahunga. 50 minute late aaye ho class mein. So that shows how much serious you are. Theek hai? To agar aapse nahi ho raha hai, आप हार्डवर्क करने के, देखो नहीं होना तो तब होता है जब आप हार्डवर्क कर चुके हो उसके बाद नहीं हो रहा, देन फैकल्टी विल कम इनटू प्ले। बट अगर आप घर पे पिछले 4 दिन के अंदर 2-2 घंटा नहीं निकाल पाए एक सब्जेक्ट के लिए, तो दैट इज वेरी शेमफुल, दैट रियली शोज कि आप करना नहीं चाहते हो। इसे घंटा IIT नहीं निकलता यार, IIT छोड़ो बोर्ड में 80% नहीं आएगा, और क्या चाहिए बोलो। पेरेंट्स को बोल दो कि सर ने बोला है कि हम पिछले चार दिन में आठ घंटा नहीं निकाल पाए, तो सर ने बोल दिया कि हमसे नहीं हो पाएगा ये चीज, ऐसे करके बोलो। ठीक है मजाक करते हो, वो भी आप लोगों का रिस्पांस कब आया? जब मैंने बोला कि आप लोगों से आंसर लूंगा तब आया, नहीं बन रहा, नहीं समझ में आ रहा। 50 मिनट में इसके अलावा कोई मैसेज आया आप लोगों का? इस तरीके से क्लास नहीं चलती है बेटा। ठीक है बस खुशी मनाओ कि ये ऑनलाइन है। ठीक है ऑफलाइन होता तो अभी तक तो मैं आपके पेरेंट्स से 2-3 बार मिल चुका होता, सेंटर पे ड्रॉप करने आते ही वो बता देता क्या क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। ओके तो चलो एक फटाफट इस सॉल्यूशन पे देखते हैं। अब यहाँ पे how will we solve this? अभी right hand side को भूल जाओ, 1/2x-1, 1/x-1, it's a simple algebraic simplification. तो आप सबसे पहले यहाँ पे लोगे LCM. अब guys expressions का LCM कैसे लिया जाता है? तो again class 8-9 में किए हुए हो, तो simply हम क्या करेंगे, दोनों को multiply कर देंगे, तो उस हिसाब से हमारा denominator क्या हो जाएगा, 2x-1 into x-1, और जब दोनों को multiply कर दिए हो तो क्या होगा,
यहाँ पे x माइनस वन आ जाएगा माइनस यहाँ पे 2x माइनस वन हो जाएगा। जैसे हम नॉर्मल एलसीएम बेसिकली आप यहाँ पे लॉजिक इफ यू वांट ऐसे लिख लो कि जब आपके पास 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी होगा और हमको इसको सॉल्व करना है तो डिनोमिनेटर में ए भी आ जाएगा और ऊपर रहेगा बी माइनस ए, ऊपर रहेगा बी माइनस ए। गो फॉर दिस। अब ए की जगह कह सकते हो आप 2x माइनस वन आ गया, बी की जगह कह सकते हो x माइनस वन आ गया। नेक्स्ट, अब ऊपर का ब्रैकेट जब रिमूव करोगे तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये x है और यहाँ माइनस 2x है, तो हमारे पास माइनस x आएगा और उधर है माइनस 1 और इधर प्लस 1, तो कैंसिल हो गया। तो बेसिकली ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा माइनस x, ऊपर बचा माइनस x। अब माइनस, अब आपको अगली चीज क्या देखनी होती है, वेबी का मेथड लगाने के लिए। सिंप्लीफाई हो गया, वेबी का मेथड कहता है कि सारे फैक्टर्स के फॉर्म में होने चाहिए, सारे फैक्टर्स के फॉर्म में मतलब मल्टीप्लीकेशन डिवीजन चलना चाहिए, एडिशन एडिशन नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हमने सब्ट्रैक्शन को सिंप्लीफाई किया, इसलिए हमने सब्ट्रैक्शन को सिंप्लीफाई किया। अब आपको क्या दिख रहा है कि माइनस एक्स, सनी उज्ज्वल आई थिंक दो तीन लोगों ने आंसर भेजा है, आई विल वेरीफाई योर आंसर्स लेटर। तो माइनस एक्स जो है, अब वहां पे एक्स का कोफिशियंट नेगेटिव है, एक्स का कोफिशियंट नेगेटिव होने के कारण क्या करेंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय माइनस वन। अब जब दोनों साइड्स को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर जो माइनस एक्स है वो प्लस एक्स बन जाएगा, नीचे टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, साइन चेंज हो गया बिकॉज नेगेटिव था, और यहां पे इस पोजीशन पे कोई आ गया मतलब क्वेश्चन सॉल्व है, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू डू द सेम स्टेप जो हमने पहले रिपीट किया है। तो यहां पे अब आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, फिर रूट्स क्या है, तो ऊपर एक्स है वो जीरो कब होगा, जीरो पे। अगला 2x माइनस 1 उसका रूट है 1 बाई टू, अगला x माइनस 1 उसका रूट है 1, तो यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 1 बाई टू आया और यहाँ पे आया 0। सो फाइनली, और क्योंकि सब कुछ हमने फॉलो किया है वेबी कॉब मेथड के स्टेप्स को, तो पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ कोई भी क्रॉस वाला केस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हमने कहीं भी इवन पावर नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेस देन इक्वल टू जीरो चाहिए था। लेस देन इक्वल टू जीरो के लिए हमने आपको क्या बोला हुआ है, पहले आप लेस देन जीरो सॉल्व कीजिए, पहले आप लेस देन जीरो सॉल्व कीजिए। तो लेस देन जीरो क्या हुआ, माइनस इंफिनिटी से जीरो यूनियन हाफ से वन। अब ये तो हमने लेस देन जीरो का सॉल्यूशन लिखा, अब आप देखो इक्वल टू जीरो कहां कहां पे होगा। तो गाइस इक्वल टू जीरो के लिए हम खाली न्यूमरेटर को जीरो करते हैं, डिनोमिनेटर वाला जीरो हमको नहीं चाहिए। तो न्यूमरेटर में फैक्टर है x, वो जीरो कब होगा, जब x की जगह पे जीरो डालोगे। तो इसीलिए आपके क्वेश्चन में सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट कहां पे आएगा, तो जीरो पे स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, तो जीरो पे स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, बाकी सब वैसे ही रहने वाले हैं। ठीक है, अब मैं देख लेता हूँ चैट में जिन जिन लोगों ने आंसर भेजा था। सो सनी योर आंसर वाज करेक्ट, विवेक आंसर गलत था, आया समझ में। फिर कोई डाउट है किसी को प्लीज पूछिए, चेकआउट करो एक बार सॉल्यूशन को, कहीं पे दिक्कत हो रहा है तो बताओ। वेरी गुड गुलशन, सेम आया आंसर, ठीक है। बाकी जो जो लोग क्लास में एक्टिव है, अमृत उज्ज्वल मृगंक, इज दिस क्लियर, कैन आई मूव फॉरवर्ड नाउ। ठीक है, सो नेक्स्ट, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फाइव है x माइनस फोर टू द पावर 8 इंटू एक्स माइनस थ्री। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए एक्स माइनस फोर टू द पावर 8 एक्स माइनस थ्री
ठीक है, ये मेरा एक्सप्रेशन है, नहीं करूंगा आदित्य, नहीं करूंगा एक्सप्लेन, सॉरी आपके लिए तो बिल्कुल नहीं करूंगा, आपके लिए हो गया, प्रफुल के लिए हो गया, सैम्स के लिए होगा, नहीं करूंगा, बिकॉज आप लोग एक्टिव नहीं हो, आप लोगों को जो चीज बोली जा रही है घर पे करने के लिए नहीं कर रहे हो, नहीं करूंगा, ठीक है। अचानक मैं उस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूं तो आपको नहीं समझ में आने वाला, क्योंकि उसके पीछे जो हार्डवर्क चाहिए था पिछले 4 दिनों का वो आपने नहीं किया हुआ है, ठीक है। मुझे ये भी तो पता होना चाहिए ना कौन एक्टिवली यहाँ पे पार्ट ले रहा है। डू यू रियली थिंक कि यहाँ पे कोई भी आ जाएगा और बोलेगा कि प्लीज इस क्वेश्चन को समझाइए और मैं समझाऊंगा? मुझे जानना होगा ना कि हाँ उसने पहले की चीजों को किया हुआ है कि नहीं, बिकॉज नाउ वी आर नॉट डूइंग इजी क्वेश्चंस, लेट मी टेल यू। आप जाकर क्वेश्चन उठा के देखना, दिस इज प्रॉपर जेई मेंस लेवल क्वेश्चन। ओके, सो नाउ अब सबसे पहला स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स? सबसे पहला स्टेप होता है हमारा यहाँ पे कि हम लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करें। तो x माइनस 4 लीनियर है, x माइनस 3 लीनियर है, नीचे जो x प्लस 5 दिख रहा है वो भी लीनियर है, बचा वो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 और नीचे है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, ये सब लीनियर नहीं है, ठीक है ना, ये सब लीनियर नहीं है। तो अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे हमको उसको चेंज करना है, किसमें? लीनियर में चेंज करना है। तो अब आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, अगर मैं इसको यहां देखूं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, अगर मैं इसको यहां देखता हूं तो यहां क्या होगा स्टूडेंट्स की मुझे इसे ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करोगे? मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन याद है ना, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, उसका हेल्प लोगे। तो ये कितना बन जाएगा, ये मिडिल टर्म करने के बाद आएगा मेरे ख्याल से, हाँ, एक्स माइनस थ्री इंटू x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरे वाले पे, दूसरा वाला जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिख रहा है विच इज 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, क्या किसी ने इसको फैक्टराइज करने की कोशिश की है? एंड वेर यू एबल टू फैक्टराइज इट? यस सर। व्हाट फैक्टराइज? x प्लस 1 और 3x माइनस 8। गलत, नीचे वाला सर, उसी की बात कर रहा हूँ, नॉन रियल है वो, फैक्टराइज नहीं होगा स्टूडेंट्स, ये फैक्टराइज नहीं होगा, दिस इज ये कह सकते हम लोग नॉट एबल टू फैक्टराइज। ट्राई किए हो? अच्छा मैं बताता हूं अभी क्यों नॉट एबल टू फैक्टराइज है। नॉट एबल टू फैक्टराइज, फैक्टराइज क्यों नहीं होगा? तो आप इसका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालो। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था? बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है माइनस 5, तो ये आपका माइनस 5 का स्क्वायर हो गया। यस सर, यस सर, नहीं होगा। माइनस 4, हाँ हम सर वहां प्लस 8 की जगह माइनस 8 लिखे हुए थे तब हो गया। ओके, तो ये एक्चुअली में नेगेटिव आ रहा है, और आप लोगों को क्या पढ़ाया गया, जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है तो रूट्स क्या होते हैं? नॉन रियल रूट्स। और जब नो रियल रूट्स होता है मतलब वो फैक्टराइज होगा क्या? नहीं होगा। आप उन्हीं क्वेश्चंस को फैक्टराइज कर सकते हो जहां पे डी का वैल्यू या तो इक्वल टू 0 आता है या ग्रेटर देन 0 आता है। तो अब हमको ये दिख रहा है कि यार ये फैक्टराइज नहीं होगा। तो किसी को याद है इसका ग्राफ कैसा होता था? अमृत, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता था? बताइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता था? पैराबोलिक, राइट? अच्छा, इफ यू रिमेंबर, कितने के, हाँ, पैराबोला होते, कितने केसेस होते थे हमारे ग्राफ वाले? ग्राफ देखो, एक बार ना मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ।
आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा क्वाड्रेटिक का एक कह सकते हो थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। इतना टाइम है हमारे पास, हाँ 10 मिनट है। सो देखो मैं ना एक वेबसाइट पे जा रहा हूँ, यहाँ क्या होता है कि मैं इक्वेशन लिखूंगा तो मुझे उसका ग्राफ निकल कर आएगा। तो देखो मैं जैसे लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर, अभी जैसे हमने क्या देखा था वहां पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू देखा था ना, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस छह था ना वो, तो आप देखिए इसका वो क्या निकल रहा है। ये देखो ये पॉइंट है 3,0 और ये पॉइंट है -2,0। इंपॉर्टेंट चीज है कि ये देख सकते हो शेप क्या बन रहा है, तो ये जो यू करके जो शेप बनता है इसी शेप को हम पैराबोला कहते हैं। तो जब हमने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स देखा था तो इसके दो रूट्स थे, है ना। अच्छा कुछ जगहों पे नेगेटिव भी हो रहा था, ये जहां पे एक्स एक्सिस के नीचे जा रहा है ये वाला पार्ट, एक्स एक्सिस के नीचे जहां पे जा रहा है वहां पे क्या हो रहा है, नेगेटिव हो जा रहा है। मतलब वो कब हो रहा है नेगेटिव, जब हमने x का वैल्यू रखा है 1। आप देखो x का वैल्यू 1 रखो, तो एक बार यहाँ पे x का वैल्यू 1 रखो तो ये हो गया 1 square minus 1 minus 6। तो 1 square minus 1 तो कट गया, माइनस 6 बचा, माइनस 6 कहाँ पे नेगेटिव है, राइट। तो ये हमें नेगेटिव दिख रहा है, मतलब कहीं पे नेगेटिव है कहीं पे पॉजिटिव है। अच्छा अब देखो मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, मैंने एक्स स्क्वायर के आगे माइनस लगा दिया, एक्स स्क्वायर के आगे मैंने माइनस लगा दिया। तो अब देखो तो क्वेश्चन में क्या चेंज हुआ, मेरा ग्राफ पलट गया, मेरा ग्राफ पलट गया, राइट ओके। और मैं दूसरा केस लेता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 4x plus 4। अब आप ये देखो ये कौन सा शेप है, तो दिस इज अगेन अ पैराबोला शेप, दिस इज अगेन अ पैराबोला शेप। नाउ एक्स एक्सिस को टच करके घूम गया, कितना रूट है यहाँ पे, इसका एक ही रूट है। अब अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा देता हूं एक्स स्क्वायर के आगे, एक्स स्क्वायर के आगे माइनस लगाने के साथ साथ ग्राफ पलट गया, ठीक है। सो एंड लास्ट एक केस और ले लेते हैं जो अभी वाला है, अभी वाला क्या है 3x square minus 5x plus 8। तो ये में, इसमें आप देख सकते हो कि इसमें अब क्या हो गया, हमारा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, और इसीलिए बोला जाता है कि इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होते। बिकॉज जो 10th की क्वाड्रेटिक में हम लोग पढ़ते हैं वो यही पढ़ते हैं कि ग्राफ जो है एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का, वो ग्राफ आपके एक्स एक्सिस पे जितने जगहों पे कट करेगा उसके उतने रूट्स होंगे। तो सबसे पहला केस जो हमने देखा था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स वाला, तो वहां पे हमारे पास दो रूट्स थे। फिर हमने अगला केस देखा था एक्स स्क्वायर माइनस 4x plus 4 वाला, इसके जस्ट पहले जो देखा था वहां पे ग्राफ को टच करके घूम गया वो, तो एक रूट। और अभी जो हम देख रहे हैं 3x square minus 5x plus 8, यहां पे क्या था, नो रूट्स, यहां पे था नो रूट्स, ठीक है, कोई भी रूट नहीं है। सो स्टूडेंट्स अब हमको समझना यहां पे ये होता है कि ये और ये, इन दोनों जगह पे आप फैक्टराइज कर पाओगे, इन दोनों जगह पे फैक्टराइज कर पाओगे, यहां पे ये नॉन फैक्टराइजेबल है, नॉन फैक्टराइजेबल है। तो अब आपको समझना पड़ता है कि फिर इसके साथ हम डील कैसे करें, इसको कैसे इनइक्वालिटी में ट्रीट करोगे। तो स्टूडेंट्स जैसे इसका ग्राफ हमको दिख रहा है, इसका ग्राफ क्या दिख रहा है आपको, एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर होने का मतलब वाई पॉजिटिव, मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, अग्री करते हो इस चीज से। तो आपको क्या करना है, इसी को मैं अब थोड़ा सा नोट डाउन करवाता हूं यहां पे। सो फॉर अ क्वाड्रेटिक For a quadratic expression,
फॉर अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जब इस तरीके का एक्सप्रेशन होगा हमारे पास, जब इस तरीके का एक्सप्रेशन होगा हमारे पास और उसमें अगर आपका d इक्वल टू जीरो है या फिर आपका d ग्रेटर देन जीरो है, जब d आपका इक्वल टू जीरो है या फिर ग्रेटर देन जीरो है, तो उस केस में फैक्टराइजेशन पॉसिबल होगा। तो आप उसको फैक्टराइज करके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, पॉसिबल इनटू लीनियर फैक्टराइजेशन, पॉसिबल इनटू लीनियर फैक्टर्स। लेकिन जब जब d आपका लेस देन जीरो होगा, ठीक है, तो यहां पे फैक्टर्स नॉट पॉसिबल, फैक्टर्स नॉट पॉसिबल। तो आप कैसे डील करोगे? द सिंपल वे इज अगर आपका a, उसके बाद आप क्या करोगे, a को चेक करोगे, a होता है आपका x स्क्वायर का कोफिशियंट। हाँ विवेक, सॉरी हर्ष, हैंड रेस किया, पूछो क्या पूछना है सर। अगर d लेस देन जीरो है देन इसका रूट, सॉरी जो भी उसका रूट है वो रूट अंडर में आएगा या फिर उसे हम डेसिमल में कर सकते हैं? नहीं नहीं, वो फिर आपका क्या होता है, d लेस देन जीरो का मतलब रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाना। रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू जो होती है ना उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, जिसको आप नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट नहीं कर सकते, ठीक है। तो और हम जो बीबी का मेथड में क्या करते हैं, हम नंबर लाइन के ऊपर ही तो कहीं ना कहीं इंटरवल प्लॉट करते हैं ना, तो वो हमारा रियल नंबर लाइन होता है, मतलब उसके ऊपर सारे रियल नंबर्स हैं। और हमारा अभी इस केस में जो रूट निकल कर आएगा वो इमेजिनरी निकल कर आएगा, जो कि उस नंबर लाइन पे नहीं प्लॉट किया जा सकता, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर वैसे हमारा 11th का एक टॉपिक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो मेनली स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, जब आपका डी लेस देन जीरो आएगा तो आप उसमें उसके बाद आप ए का वैल्यू चेक करना। ए का वैल्यू होता है आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट। उसके दो ही केसेस होंगे, या तो आपका ए ग्रेटर देन जीरो होगा या फिर आपका ए लेस देन जीरो होगा। अगर आपका ए ग्रेटर देन जीरो होता है, अगर आपका ए ग्रेटर देन जीरो होता है देन द नंबर इज पॉजिटिव, या देन द एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, देन द एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। और अगर आपका a लेस देन जीरो होता है देन द एक्सप्रेशन इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहां पे जैसे कि अभी मैंने आपको जब यहां दिखाया डेसिमल्स पे ये चीज को दिखाया, तो ये एक्चुअली क्या था, ग्राफ ये किस चीज का बनाता है, मैं आपको वो एक बार समझा देता हूं। तो ये एक्चुअली ग्राफ बनाता है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, इसका इसने ग्राफ बनाया है, ठीक है। और इसके ऊपर के जैसे पॉइंट्स अभी हमको दिख रहे हैं ना, ये सारे जो पॉइंट्स हैं आपको इसके कोऑर्डिनेट्स वगैरह दिख रहे होंगे, ठीक है, ये सारे अलग अलग कोऑर्डिनेट्स हैं। जैसे ये कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है आप लोगों को, आई थिंक सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, माइनस 1.16 दिख रहा है क्या सबको, माइनस 1.16। हाँ, तो अब अगर हम इसको वेरीफाई करें, ये माइनस 1.16 ग्राफिकली जो दिख रहा है वो है क्या, तो वो कह रहा है कि व्हेन व्हेन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 तो आपका वाई क्या हो रहा है, तो वाई इज एक्चुअली 3 into माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 5 into माइनस 1 प्लस 8। तो ये हो गया आपका 3 + 5 + 8, है ना, यहाँ पे माइनस 1 into -5 आपका प्लस 5 हो गया, ये प्लस 8, तो 3 + 5 + 8 कितना हो गया, 16 हो गया। तो हमने क्या देखा कि जब हम x का वैल्यू माइनस 1 पुट कर रहे हैं तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जा रहा है, हमारा एक्सप्रेशन निकल कर आ रहा है 16। इसीलिए उस ग्राफ के ऊपर हमको वो पॉइंट दिख रहा था, ठीक है, इसीलिए हमको ग्राफ के ऊपर वो वाला पॉइंट दिख रहा था। तो इस हिसाब से अगर ये छोटी सी अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आई है
तो आई ये आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका जो ग्राफ है वो हमेशा x एक्सिस के ऊपर आ रहा है, इसका मतलब y हमेशा पॉजिटिव। y एक्चुअली क्या है, तो y आपका पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू है, पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू है। तो आपका ग्राफ हमेशा आपका y हमेशा पॉजिटिव, आपका एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, ठीक है, आपका एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। अब मैं क्या करता हूं, मैं एक और केस लेता हूं, अब ये देखो इस बार हमारा क्या है, ये ग्राफ पलट गया। आप लोगों को ये चीज पता होगी कि ए का जब कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो ग्राफ होता है यू, उसको बोलते हैं पैराबोला, और जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होता है तो शेप बनता है उल्टा यू, इनवर्स पैराबोला, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे अभी आपको उल्टा यू का शेप दिख रहा है। और अब यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि यहाँ पे भी आपका डी जो है वो लेस देन जीरो है, यहाँ पे भी डी लेस देन जीरो है, और इस बार ए भी लेस देन जीरो आ रहा है। तो आपका वाई, वाई मतलब एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव आ रहा है, एक्सप्रेशन का वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव हो रहा है, यस और नो? क्योंकि ग्राफ जो है एक्स एक्सिस से हमेशा नीचे है, और अगर हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस से हमेशा नीचे है तो ये हमेशा नेगेटिव हो रहा है। तो ये छोटी सी अंडरस्टैंडिंग है जो हमें यूज करनी होगी ऐसे टाइप में, जब आपको एक एक्सप्रेशन आया है क्वाड्रेटिक फैक्टराइज नहीं कर पा रहे, तो आपको क्या चेक करना है, ये अगर ग्राफ समझ में आ गया है तो सिंपली आपको ये चीज फॉलो करनी है, डी अगर लेस देन जीरो है तो ए को चेक कीजिए, अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो आपका एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा, और अगर आपका ए लेस देन जीरो है तो आपका एक्सप्रेशन हमेशा नेगेटिव होगा, खाली इतना चीज। इससे फायदा क्या होगा, तो देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में 3x² - 5x + 8, इसका d less than 0 आ रहा था, d less than 0 आ रहा था, तो आपको क्या करना है, आपको उसका x square का coefficient देखना है, x square का coefficient क्या है, तो x square का coefficient है positive, positive होने के कारण ये पूरी चीज क्या रहने वाली है, इसके कारण ये पूरी चीज always positive रहेगी, ठीक है, दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वाई मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूं कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, बिकॉज हम उसके अकॉर्डिंग उसके साथ डील कर सकते हैं। अगर ये हमेशा पॉजिटिव होगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे जीरो के साथ और इनइक्वालिटी का साइन नहीं पलटेगा, अगर ये हमेशा नेगेटिव होता क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते जीरो के साथ और इनइक्वालिटी का साइन पलट जाता, क्योंकि पलटता कब है, जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होता है। तो इसीलिए अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पे बढ़ते हैं आगे, x - 4 होल टू द पावर 8, x - 3, अब वो जो x² - x - 6 है वो हमने ऊपर ग्रीन कलर से सॉल्व कर लिया है, तो वहां से फिर क्या निकल कर आ रहा है, x - 3 × x + 2 आ रहा है। इसके बाद डिनोमिनेटर में ये x + 5 to the power 7, और ये जो चीज दिख रही है क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो आप मान लो कि हमने उसको जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और वो जीरो हो गया, ठीक है। तो अब आपको इसको सॉल्व करना है। एक और चीज आपने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया होगा कि यहां और यहां सेम एक्सप्रेशन आ गए, तो सेम एक्सप्रेशन आने का मतलब पावर क्या बन गया, यहां पे इवन बन गया, राइट। सो अब जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मेरा हो गया क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्वड है, अब हमने उसको डील कर लिया जैसे करना था, अब हम इसके इंटरवल्स वगैरह लिखेंगे। तो एक है 4, 3 - 2 - 5, मतलब 4 रूट्स है, तो 4, 3 - 2 - 5, ये 4 रूट्स होंगे। अब इन 4 रूट्स में से आप देखो कि इवन पावर कहां कहां पे आ रहा है, तो इवन पावर आया है x - 4 to the power 8, एक वहां पे, राइट, तो एक वहां पे इवन पावर आया है, और एक है x - 3 का स्क्वायर, ये जो 2x - 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये बन गया x - 3 का स्क्वायर, वहां पे एक और इवन पावर है, तो उधर भी क्रॉस लगेगा, ठीक है, उधर भी क्रॉस लगेगा।
एंड देन जैसे हम नॉर्मली इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, राइट मोस्ट इंटरवल पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव, सॉरी क्योंकि क्रॉस है वहां पे, तो 4 के राइट से जब 4 के लेफ्ट में जाएंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, 3 के राइट से 3 के लेफ्ट में जाएंगे फिर से साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि 3 पे क्रॉस है, बट अब यहां तो कोई क्रॉस नहीं है तो साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव। क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड आउट करना था, क्वेश्चन में हमको ग्रेटर देन 0 फाइंड आउट करना था, तो ग्रेटर देन 0 का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो ग्रेटर देन 0 का सॉल्यूशन हो जाएगा आपका माइनस इंफिनिटी से माइनस 5 यूनियन माइनस 2 से 3 यूनियन 3 से 4 यूनियन 4 से इंफिनिटी। अगर इसको हम कंबाइन करके लिखना चाहते थे, मतलब मान लो कि थोड़ा कम इंटरवल्स लिखना चाहते हो, तो वो हम कैसे कर पाएंगे, यहाँ पे सारा का सारा पॉजिटिव है, तो इसको दूसरा तरीका क्या हो सकता था लिखने का, हमने लिखा माइनस इंफिनिटी से माइनस 5 यूनियन माइनस 2 से इंफिनिटी माइनस 2 से इंफिनिटी, और अब हम आ रहा हूं जहां जहां पे वो जीरो हो रहा है क्योंकि हमने 3 पे क्रॉस लगाया 4 पे क्रॉस लगाया, ये हमारे रूट्स हैं, तो हमको वो माइनस करना होगा, तो माइनस कर्ली ब्रैकेट 3 एंड 4 माइनस कर्ली ब्रैकेट 3 एंड 4, ये भी तरीका हो सकता था इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को लिखने का, ठीक है। अब ये कह सकते हो स्टूडेंट्स की इनइक्वालिटीज को हमने कर लिया है, अब मैं आपको एक शीट प्रोवाइड करूंगा, उस शीट को आप सॉल्व कीजिएगा, एंड जो यहाँ पे कुछ लोग हैं, मृगम ने लिखा है न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी लिटरल इनइक्वालिटी ग्राफ, मृगम देखो लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल टू वेरिएबल, मतलब एक जगह एक्स प्लस वाई, सबसे पहले जो मॉड्यूल में दिया हुआ है उसमें दो चीजों को कवर किया है, एक तो हो गया आपका, वैसे ये सारी चीजें काम करूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, अभी बहुत टाइम कम है, राइट 36 हो रहा है तो टाइम ऑलरेडी ओवर हो गया, तो एक बार नेक्स्ट क्लास में मैं मॉड्यूल वाली चीजों को भी डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। ग्रुप में मैं आपको इन्फॉर्मेशन डालता हूँ कि आज अब आपको क्या करना है, एंड एज ऑफ नाउ जेई लेवल का जो क्वेश्चन होता है ना इनइक्वालिटी से, ये कवर हो चुके हैं। अब अगर आप hardly इस टाइप के क्वेश्चन में कितना टाइम लगना चाहिए, देखो ये तो हो गए थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन, तो लगभग लगभग 4 से 5 मिनट एक्सेप्टेबल है, बट अगर आप मुझे दोगे ये क्वेश्चन या जब आपने खुद अच्छा खासा प्रैक्टिस कर लिया होगा, तो दिस इज वेरी इजी टू सॉल्व विद इन 3 मिनट्स। रीजन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जब इसको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होंगे ना, तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये दिख रहा होगा कि बस यहाँ एक्स स्क्वायर वाले को डील करना है और इसको डील करना है, तो आप ये अपनी कॉपी में लिखोगे, ये पहला स्टेप, आप ये नंबर लाइन बनाओगे, सॉल्यूशन तो कोई लिखेगा नहीं अपनी कॉपी में क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव आंसर को मार्क कर रहा होगा, तो ऑब्जेक्टिव आंसर को मार्क कर रहा होगा तो इनइक्वालिटी बनाने के बाद वो चेक करता है कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है इसको, और उसके अकॉर्डिंग फिर उस ऑप्शन को वो मार्क करता है, तो समझ सकते हो कि जो भी टाइम लगना है वो उन दो क्वाड्रेटिक को डील करने में और नंबर लाइन बनाने में लगा है, तो 3 मिनट्स शुड बी मोर देन एनफ, बट थोड़ी सी उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होगी। अभी अगर आपसे 5 मिनट में हो रहा है तो ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते वो 3 मिनट के अंदर आ जाएगा। और दूसरी चीज है गाइस, स्पीड कब डेवलप होता है, स्पीड डेवलप होता है जब आपका नॉलेज क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो जब तक आप नॉलेज पे काम नहीं करोगे तब तक आप अपने स्पीड पे बिल्कुल काम कर ही नहीं सकते, तो इसलिए प्रैक्टिस कीजिए ताकि हम अपना स्पीड डेवलप कर सके। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम थोड़े से डाउट्स वगैरह जो होंगे आपके वो डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट विद लॉगरिथम, लॉगरिथम वी विल स्टडी इन डिटेल, बट उससे पहले छोटा मोटा जो काम है वो मैं शीट्स वगैरह आज प्रोवाइड करूंगा, डू सॉल्व इट विदाउट फेलियर। चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।